ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 5 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों ने राजधानी वासियों के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, दिल्ली वालों के काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दिल्ली वासी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं कोई काम रुकने नहीं दूंगा। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल में दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना इलाज करवाया। मोहल्ला क्लिनिक से गरीब लोगों का बहुत भला हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केशवपुर सब्जी मंडी, शाहबाद डेयरी, गोविंदपुरी और कालिका जी मार्केट में 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब मोहल्ला क्लिनिक की संख्या बढ़कर 533 हो गई है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज हो रहा है। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाने वाले अमीर लोग मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।